हे गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऐसा ज़रूर है कि मैं 10th क्लास के बच्चों से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैं अपने चैनल पे कंपटीशन क्लासेस ले रहा था, तो वो भी हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो आज से हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं वो है 10th क्लास के बच्चों के लिए। अब वो CBSE का हो सकता है, RBSE का हो सकता है, या किसी भी स्टेट अदर स्टेट का बोर्ड का बच्चा हो सकता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी वाली। फिर सेकंड बात हम करें कि अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप कहाँ पूछेंगे, तो आपको जो भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8112211369, 8112211369। तो आपके जो भी डाउट हैं आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी रेगुलर क्लासेस आ रही है हमारी, उन्हें रेगुलर क्लासेस को प्रॉपर देखना है नोट्स बनाते हुए, ठीक है। अब हम क्लासेस में क्या क्या करने वाले, तो क्लासेस में हम सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में एलन, रेजोनेंस या जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी निगाह में बड़े हैं, तो उन सभी इंस्टीट्यूट के मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10th के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। बाकी जो प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो 11th 12th जेई के एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद हम करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे PDF भेजेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस की, तो आप उसे वहां सोल्व कर सकते हैं। आप RD शर्मा, PK गर्ग किसी भी बुक को सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं RD शर्मा, PK गर्ग जो भी अच्छे अच्छे बुक्स हैं सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस आने वाले। तो अभी आपको क्या करना है, अभी फटाफट से यूट्यूब पे सर्च करना है समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, और इस पेज को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबाना है, जिससे आपको जो भी वीडियोस आएंगे आपको फटाफट से अपडेट मिल जाए और आप फटाफट से उसे देख लें। तो हम जो भी सीरीज लेके आ रहे हैं मैथ्स की, वो 9th 10th 11th 12th और जेई मेंस के बच्चों के लिए होने वाली, लेकिन अभी हम जो सीरीज आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है 10th क्लास के बच्चों के लिए, तो आपको अलग से प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। आज पहला वीडियो है 10th क्लास के लिए, इसलिए मैं इतनी बातें करने वाला हूँ। तो फटाफट से आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए, फटाफट से वीडियोज में जुड़ जाइए। तो अभी हमें जो टॉपिक देखना है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करूं तो इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं, लेकिन इससे पहले दो तीन टर्म आती है, उनका आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वो पहली टर्म है कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। उसके बाद दूसरा आता है कि सीरीज क्या होती है, सीरीज को बोलते हैं हिंदी में श्रेणी। थर्ड आता है हमारा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, तो इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके हिंदी नाम। अब इन्हें हम एक एक को समझते हैं कि ये होते क्या है। तो देखिए, अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस कोई भी नंबर्स जमे हुए हैं आपके किसी भी लॉजिकल के वे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जमा हुआ है 1, या ये कह लूं 2 है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, डैश डैश डैश। तो ये एक फिक्स पैटर्न होगा, कुछ लॉजिक होगा इन नंबर के जमे होने के पीछे। ध्यान दीजिए, अगर 2 की बात करी, उसके बाद मैंने 3 की बात करी, उसके बाद मैंने 5 की बात करी, उसके बाद मैंने 7 की बात करी, तो ये सब क्या है, बेसिकली प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ये नंबर, ये क्या है, बेसिकली अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाता है, खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद से ही डिविजिबल होते हैं 1 को छोड़ के। क्लियर है? क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 4 का फैक्टर देखूं तो 2 × 2 हो सकता है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 × 1 ही तो होगा,
इसका मतलब ये केवल और केवल 3 से ही डिवाइड हो सकता है, 1 को तो आपको सभी में छोड़ना है। अगर मैं 7 की बात करूं तो इसे 7 इंटू 1 लिख सकता हूं, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती क्या है, एक से बड़ी, एक कभी भी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होता। तो एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाता है, खुद से ही डिवाइड होती है, वो सब प्राइम नंबर होते हैं। तो ये बेसिकली एक फिक्स पैटर्न था, क्या पैटर्न था कि ये सब क्या थे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं थी। तो ये हो गया हमारा कि ये क्या है, सिक्वेंस, क्लियर है। उसके बाद हम बात करें कि सीरीज क्या होती है, श्रेणी क्या होती है। तो जब हम इन नंबर्स को आपस में एडिशन कर देंगे, इन सबका योग कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, तो वो कहलाती है श्रेणी। 2+3+5+7+11…। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की, अब प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी, क्लियर। तो प्रोग्रेशन क्या है, तो ध्यान दीजिए प्रोग्रेशन में भी एक लॉजिक होता है, मतलब आप नंबर जो जमाएंगे उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होगा, लेकिन उस लॉजिक में क्या होगा, आप हमेशा जो nth टर्म है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, सीक्वेंस में मैंने जो एग्जांपल लिया वो एग्जांपल था प्राइम नंबर्स थे, अभाज्य संख्याएं थी, तो अभाज्य संख्या में बता सकता हूं कि nth टर्म की कौन सी होने वाली है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कौन सी होगी। लेकिन श्रेणी, श्रेणी जो होती है, प्रोग्रेशन जो होती है, उसमें मैं nth टर्म बता सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं क्या, nth टर्म, मतलब nth टर्म को मैं क्या कर सकता हूं, इसमें परिभाषित कर सकता हूं, n वा पद जिसे मैं परिभाषित कर सकता हूं, किसमें, प्रोग्रेशन में। तो प्रोग्रेशन फॉर एग्जांपल जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, ध्यान दीजिए ये क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस, सीक्वेंस तो बोल ही सकता हूं। अब सीक्वेंस तो है लेकिन ये कैसे बना होगा, सोचिए, इसमें मैंने प्लस टू किया, इसमें मैंने प्लस टू किया, इसमें मैंने प्लस टू किया, इसका मतलब अगर मुझे एक नंबर पता है तो उससे मेरे को जो प्रोग्रेशन बनानी है, सीक्वेंस बनाना है, अभी सीक्वेंस बोल दीजिए, तो कैसे बन रहा है ये, प्लस टू के एडिशन से। लेकिन यहां कुछ पता था क्या मेरे को, बस इतना सा ही पता था कि वो प्राइम नंबर होगा। अब मैं यहां बता सकता हूं कि nth टर्म क्या होगी, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें मैं फाइनाइट नंबर बता सकता हूं, मतलब nth टर्म बता सकता हूं कि nth टर्म उसमें क्या होने वाली है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस सिक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन। अब आपने पढ़ा और फटाफट से अभी के अभी भूल जाइए, क्योंकि आपके ना तो 10th बोर्ड में पूछने वाला है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। हमारे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, हमें क्वेश्चन पे मेनली फोकस करना है, नहीं आपके जेई मेंस में आपसे पूछा जाएगा, नहीं एनटीएससी या ओलंपियाड किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हमारा जो फटाफट से था हमने समझ लिया। अब जो हमें देखना है, हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हमारा जो एग्जाम है या हमारा जो CBSE या RBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें डायरेक्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसकी शुरुआत होती है अब जहां से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो ध्यान दीजिए, हम देख चुके हैं कि प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें कुछ लॉजिक होता है, टर्म जब हम लिखेंगे तो उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तो वो हो गई प्रोग्रेशन। लेकिन अर्थमेटिक क्या चीज है, तो अर्थमेटिक का हिंदी देखिए समांतर होता है, समान अंतर, समांतर का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या आएगा, समान प्लस अंतर, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो समांतर हो गया समान प्लस अंतर। इसका मतलब जो टर्म होंगी उनके बीच में कैसा अंतर पाया जाएगा, समान, कॉमन डिफरेंस पाया जाएगा, तो उस श्रेणी को, उस प्रोग्रेशन को मैं बोल दूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं ये वाला, ध्यान दीजिए 2+3 करूंगा तो 5 आएगा, 5+3 करूंगा तो 8 आएगा, 8+3 करूंगा तो 11 आएगा। इसका मतलब जो भी टर्म बन रही है उनमें सब में क्या एडिशन कर रहा हूं, प्लस 3। प्रीवियस टर्म, पहले वाली टर्म में, पहले वाले पद में अगर मैं प्लस 3 का योग कर दूं, एडिशन कर दूं, तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिल जाती है। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहां तक क्लियर है, तो चलिए
अब ये तो मैंने एग्जाम्पल से देखा, लेकिन अब हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं। ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका क्या है फर्स्ट टर्म क्या है ए, इसे बोल देंगे प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी है एक जिसका मैंने मान लिया कि प्रथम पद ए है। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी आपको श्रेणी लिखी थी इसका एग्जाम्पल लिया था, इसका एग्जाम्पल यही तो लिया था, अच्छा ये लिया था मैंने, ठीक है किसी में भी देख लीजिए, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस भूल जाइए, अभी क्या होता है, हमने क्या बताया आपको, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो किसी एक टर्म का या किसी एक नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनती है। तो देखिए इसमें क्या किया +2, फिर इसमें क्या किया +2, फिर इसमें क्या किया +2, यहां भी +2 +3, यहां पे +3, यहां पे +3। तो ये बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड वाली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका भी फर्स्ट टर्म क्या है 2, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है जिससे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, जो डिफरेंस है वो क्या है, पहली वाली में 2, सेकंड वाली में 3। तो ये जो डिफरेंस होता है, देखो पूरे टर्म्स, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है और वो क्या है 2, और जबकि इधर क्या आ रहा है 3। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, क्योंकि वो सभी जो पद हैं उनमें क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए उसे बोलते हैं समान अंतर, सार्व अंतर, इसलिए नाम पड़ गया श्रेणी का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म मान ली मैंने ए, तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना हो मेरे को, जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या बन जाएगा ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक? तो देखिए प्रथम पद ए हो गया। अब ध्यान से दीजिए ये क्या है बेसिकली हमारा, बाद में लिख देंगे, चलो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया सेकंड पद। पहली बात मैं आपको यहां बता दूं कि आज का जो वीडियो है थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा, क्योंकि हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप फटाफट से अच्छे से एंगेज हो जाएं, जिसे आपको पूरा प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको इजीली अच्छे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्लियर है? तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले। आज तो फिर भी थोड़े मैं बेसिक क्वेश्चन लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम जेई के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि हम जेई के क्वेश्चन करने वाले हैं 10th क्लास में होके, लेकिन वही जेई के क्वेश्चन करेंगे जो आपके रिलेवेंट होंगे, क्लियर? चलिए तो फर्स्ट टर्म मान लिया मैंने ए, अब ध्यान दीजिए ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट करता हूं तो क्या आएगा, अगर a प्लस डी में से मेरे को a घटाना है तो क्या बचेगा, d तो बचेगा, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी क्या बचेगा, d बचेगा। इसका मतलब ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी है उसमें जो डिफरेंस है जिससे हम फर्स्ट टर्म से सेकंड बनाई, सेकंड से थर्ड बनाई, वो क्या है d। देखिए a में अगर d जोड़ दूं तो a प्लस डी, ए प्लस डी में फिर d जोड़ दूं तो a प्लस टू डी। इसका मतलब प्रथम पद a हो गया और हमारा सार्व अंतर हो गया d, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a, a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अब आपको क्या ध्यान देना है यहां पे, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हिंदी में बोलेंगे प्रथम पद, तो यहां पे प्रथम पद क्या है हमारा a। अगर t2 क्या बता रहा है, सेकंड टर्म, इसका नोटेशन ध्यान से समझिए, t2 का मतलब है सेकंड टर्म, t1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो t2 हो गया हमारा सेकंड टर्म द्वितीय पद, और वो क्या है यहां पे a प्लस डी। अब हमें पता है कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसका मतलब t3 क्या हो जाएगा a प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस थ्री डी।
तो ये फटाफट से लिखने के बाद फटाफट से फोकस करिए, जो मुझे पूछना है वो आपको आंसर देना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है? अपने दिमाग के घोड़े चलाने हैं अब हमें। ध्यान दीजिए, पहली टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या है, इधर लिख देते हैं अब हम समझाने के लिए फटाफट से। पहली टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस टू डी। ध्यान दीजिए, अगर वन आ रहा है तो बेसिकली इसको ऐसे लिख सकता हूं, जीरो इंटू डी, जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो, शून्य मिलेगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस जीरो इंटू डी, तब भी तो ए ही होगा। तो मतलब प्रथम पद में ऐसे लिखू या ऐसे लिखू, बात एक ही है। कान इधर से पकड़ो या कान ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। तो टी वन हो गया ए प्लस जीरो इंटू डी या ए, दोनों बात एक ही। तो ध्यान दीजिए, यहां वन था तो यहां जीरो आया, टू था तो यहां वन इंटू डी लिख सकता हूं, ए प्लस डी तो कहलाएगा अगर वन इंटू डी लिखता हूं। थ्री था तो यहां पे टू आया, अगर टी फोर देखूंगा तो यहां क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी। अगर मेरे को जनरल टर्म निकालनी हो, व्यापक पद निकालना हो इस समांतर श्रेणी का, तो क्या होगा जरा सोचिए। जब टी वन है ए, टी टू है ए प्लस डी, टी थ्री है ए प्लस टू डी, टी फोर है ए प्लस थ्री डी, मतलब जो यहां होता है उसका यहां पे क्या होता है, एक कम। वन है तो जीरो, टू है तो वन। इसका मतलब सिमिलर वे में जब मैं आगे बढ़ूंगा nth टर्म निकालने पहुंचता तो टी एन क्या आता, nth टर्म n वा पद क्या आ जाता बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला यहां पे निकल के आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो आपको हमेशा याद रखना है वो क्या है, टी एन। टी एन को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, कि किसी भी समांतर श्रेणी का n वा पद क्या होगा। फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी, आपको एपी दे देगा उसका nth टर्म पूछेगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कैसे निकाला है मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता दिया। MTR का मतलब है मारो टोटल रट्टा। तो आपको अब हमें हमेशा ये थोड़ी ना निकालना है, डेराइव थोड़ी ना करना है, अब हमें केवल और केवल ये फॉर्मूला याद रखना है कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। आप लिख सकते हैं यहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए है प्रथम पद, डी है सार्वंतर, एन है पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो गया हमारा क्लियर समांतर श्रेणी, कि समांतर श्रेणी का टी एन कैसे निकाला जाता है। अब हमें क्या देखने हैं, इसके क्वेश्चन देखने हैं। आज हमें केवल और केवल इसका एक ही टॉपिक पढ़ना था, वो nth टर्म। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे समीशन ऑफ nth टर्म और आगे बाकी की चीजें क्वेश्चंस करेंगे जेई के एनटीएससी के, ठीक है? तो आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले। तो इंग्लिश मीडियम वालों के क्वेश्चन मैंने यहां लिखे हुए, हिंदी मीडियम वालों को मैं लिख दूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट टर्म ए। हम पता है फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं, ए को बोलते हैं। तो फाइंड फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी, नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें, ठीक है? हमें क्या ज्ञात करना है, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है हमें, ठीक है? हमें ए निकालना है और क्या निकालना है, डी निकालना है। प्रथम पद निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर निकालना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है 1, 4, 7, 10। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कैसे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब हम यहां लिख देंगे ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अब हम जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू बराबर टी फोर माइनस टी थ्री, मतलब जो फाइनल टर्म होगी उसमें से अगर मैं इनिशियल टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं, घटाता हूं, तो सबका जो डिफरेंस आएगा, सबका अंतर आएगा, वो क्या आएगा, समान आएगा। दोबारा देख लीजिए, हम जानते हैं कि ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है, एक दो तीन चार, तो
तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, चार। ए कितना है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, तो क्या है यहां पे दो। अगर मैं बात करूं कि डी निकालो, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस सार्वांतर, कैसे निकालेंगे, जब हमें पता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पक्की बात है कि दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, वो हमेशा बराबर ही होगा। तो मैं सिंपल सा टी टू माइनस टी वन करके भी निकाल सकता हूं, या टी थ्री माइनस टी टू करके भी निकाल सकता हूं, या टी फोर माइनस टी थ्री करके भी निकाल सकता हूं। तो वो कितना आएगा, फोर माइनस टू बराबर टू, अगर इसमें से इसको करता तो भी टू ही आता। क्लियर है यहां तक, चलिए। तो अभी हमें ये क्वेश्चन है कि ये एपी में है, अब हमें निकालना है कि फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो प्रथम पद तो क्या हो गया इसका वन, साफ साफ गिवन है। डी कितना हो जाएगा, तो डी के लिए क्या करेंगे हम, टी टू माइनस टी वन, तो डी बराबर फोर माइनस वन बराबर थ्री, तो ये इसका आंसर हो गया दोनों। क्लियर है, ध्यान दीजिए क्या किया, ये लल्लू क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला, साफ साफ बता रहा हूं अभी। फिर भी हमें बेसिक से प्रॉपर पढ़ना है उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा कम प्रॉब्लम आती है, मतलब मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं पूरा जीरो से आपको पढ़ाने वाला हूं। जीरो से हीरो बन जाएंगे यदि हम प्रॉपर क्लास में ध्यान देंगे। क्लियर, तो ए हो गया वन, एपी में गिवन था इसलिए मैंने चेक नहीं किया कि दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अरे भाई उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है तो पक्का वो टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टी फोर माइनस टी थ्री एंड सोन सब बराबर होंगे। तो मैंने डी निकालना था तो दिस माइनस दिस कर दिया, आप दिस माइनस दिस करके भी निकाल सकते हैं, तो थ्री आ गया। एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी दोनों क्वेश्चन आपको करने। तो सेकेंड क्वेश्चन है थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री, अब ये भी किस में दिया हुआ है, एपी में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। डी कैसे निकालेंगे, अरे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो डी क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू। चलो अब की बार टी थ्री माइनस टी टू करके भी निकालता मैं एक बार, तो टी थ्री क्या है इसका माइनस वन, तो माइनस वन माइनस माइनस सॉरी ठीक है, टी थ्री क्या है माइनस वन, टी टू क्या है वन, तो माइनस वन माइनस वन, टी थ्री माइनस टी टू कितना जाएगा माइनस टू। वही मेरे को तो टी फोर माइनस टी थ्री करना है, कर ले भाई टी फोर माइनस टी थ्री, टी फोर कितना है माइनस थ्री, टी थ्री कितना है माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन कितना जाएगा माइनस टू। तो सबसे सेम सेम है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिए फटाफट से, मैं थर्ड और फोर्थ यहां लिख देता हूं, इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूं, फटाफट से वीडियो पोस्ट करें, खुद का आंसर चेक करें आ रहा है, उसके बाद आप वीडियोस को कंटिन्यू करें। तो थर्ड वाला तो सिंपल है, थर्ड वाला आप ही कर लीजिएगा, फोर्थ में बताता हूं। थर्ड है वन माइनस टू माइनस फाइव माइनस एट, और ये किस में गिवन है, एपी में। तो देखो ए कितना आ जाएगा वन, डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन माइनस टू माइनस वन मतलब माइनस का थ्री। अगर फोर्थ वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में है थ्री बाय टू वन बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू एंड सो ऑन, और किस में दिया हुआ है, एपी में। तो ध्यान दीजिए ये कैसा है, फ्रैक्शन में, भिन्न में है, तो आपे घबराने की जरूरत नहीं है। ए बराबर कितना, सिंपल थ्री बाय टू। डी के लिए हमें क्या करना है, अरे उसने गिवन है एपी, उसने दे रखा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपको तो सिंपल टी टू माइनस टी वन करना है, आप टी थ्री माइनस टी टू कर सकते हैं, टी फोर माइनस टी थ्री भी कर सकते हैं। तो डी बराबर टी टू माइनस टी वन, तो वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू, एलसीएम कितना आएगा टू, टू वन जा टू वन, माइनस टू वन जा टू थ्री, माइनस टू बाय टू मतलब माइनस का वन। क्लियर है, और यहां से भी आप ध्यान दे सकते हैं, एक बार वो चेक कर ले, टी टू कितना था हमारा वन बाय टू, टी वन कितना था हमारा थ्री बाय टू, ठीक है। हमने एलसीएम लिया टू आया, तो वन माइनस थ्री माइनस टू बाय टू मतलब माइनस का वन। तो ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस और ये इसका फर्स्ट टर्म। तो ये आपको क्लियर होगा आई थिंक पूरा, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा कि ए को हम नोट करेंगे हमेशा फर्स्ट टर्म प्रथम पद से, डी होता है सार्वांतर, तो आप नोट लगा के लिख लीजिएगा कि डी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। किसी भी एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा शून्य होता है, या धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा कि वो धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये मैंने एक नॉर्मल उसमें लिख दिया, आप इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो समांतर श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए अब फटाफट से हम जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर आते हैं। हमने क्या डिराइव किया था कि समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका जो tn होता है, मतलब nth टर्म होता है, n वा पद होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अभी तक हमें जो एक चीज याद करनी है इस चैप्टर में, वो है कि tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करने वाले। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड 30th टर्म एंड nth टर्म एंड nth टर्म ऑफ गिवन एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए कि दी गई समांतर श्रेणी का 30वां पद एवं nवां पद ज्ञात करें, और वो समांतर श्रेणी कौन सी है, 10, 7, 4 और चलती जा रही है अनंत तक। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमें जब भी nth टर्म निकालनी होगी, nth का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा 5th टर्म निकालिए, 29th टर्म निकालिए, 31st टर्म निकालिए, 50वीं टर्म निकालिए, 100वीं टर्म निकालिए, तो जब भी आपको देगा तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, a और d, क्योंकि आपको n तो पता होगा। अगर 5वीं टर्म पूछेगा तो t5, मतलब n 5 रखोगे आप, हाँ कि ना? तो आपको a और d पता होना चाहिए। तो आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जब भी हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हमारे पास a मतलब फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी, प्रथम पद और सार्व अंतर। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, उससे और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसने बोला है कि गिवन एपी, इसका मतलब इसको उसने क्या बोला है, एपी, हमें अब आगे दिमाग नहीं लगाना। तो यहां पे ए कितना है, 10, डी कितना हो जाएगा, 7 - 10 मतलब कितना, -3। तो ए आ गया 10, डी आ गया हमारा -3। अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमसे पूछा टीएन पूछा, सबसे पहले nth टर्म भी पूछे और 30th टर्म भी पूछे, तो tn निकाल लेते हैं भाई। तो tn हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वी नो दैट tn बराबर, हम जानते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, tn। वैसे हम कुछ भी नहीं जानते, मैंने अभी आपको जनवाया था क्या कि tn होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें निकालना है nth टर्म, तो n ही रहने दीजिए, a की जगह पुट करिए 10, d की जगह पुट कर देंगे -3, तो n माइनस वन इंटू डी की जगह -3। सोल्व करना है 10 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 10 माइनस का 3n और प्लस का 3, तो आंसर आ गया हमारा 10 माइनस 3n, 10 प्लस 3 कर दो डायरेक्ट, 13 माइनस 3n। दोबारा चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, a 10, d कितना था 7 - 10 - 3, हमें निकालना था इसका प्रथम पद और सार्वंतर। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में एनवा पद निकालने का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पुट किया 10, d की जगह किया -3, तो 10 प्लस एन माइनस वन इंटू -3, 10 माइनस का 3n प्लस का 3, तो 10 प्लस 3 हो गया 13, 13, तो 13 -3n क्या आ गया इसका nth टर्म। अब हमसे क्या पूछा है, एक और 30th टर्म, मतलब हमें क्या निकालना है, t30। अब हम जानते कि अब t30 निकालना है, तब भी हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि सिंस tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देयरफोर t30 कितना हो जाएगा,
ए प्लस 30 माइनस 1 कितना 29, तो ए प्लस 29 इंटू डी। ए कितना है 10 प्लस 29, डी कितना है माइनस का 3, तो 10। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्वांटिटी नेगेटिव आती है, तो 10 माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 20 3 60 और 9 3 27, अरे भाई 20 3 60 और 9 3 27, तो 60 प्लस 27 87 हो जाएगा। तो 10 माइनस 87 मतलब माइनस का 77 क्या हो जाएगी इसकी, तीसवा टर्म, तीसवा पद। ध्यान दीजिए, एक तरीका तो ये इसके लिए, लेकिन हम सब इससे पहले ही nth टर्म निकाल चुके थे। nth टर्म क्या आई थी 13 माइनस 3n। तो जब हम nth टर्म निकाल चुके और हमें 30वीं टर्म निकालनी है, 30th टर्म निकालनी है, तो डायरेक्ट मैं इसमें पुट करता t30 कितना आ जाता 13 माइनस 3 इंटू 30, 13 माइनस 19 कितना माइनस का 77। ठीक है, तो ये नीचे वाले करने के यहाँ पे दो मेथड हो गए, मेथड 1 और मेथड 2। क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का आप डाउट फेस करते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8112211369, और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्या है, आपको कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है लगे तो आप प्लीज उसे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे वाले वीडियोज में उसे इंप्रूव कर लूं। ठीक है, चलिए, आपको मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, एवरीथिंग, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोकस करिएगा कि आप काम की बात ज्यादा पूछें। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द थर्ड टर्म ऑफ एपी। अब उसने दिया हुआ है कि दी गई समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या है 12, उसने गिवन है, उसने दिया हुआ है कि T3 इज 12। 50th टर्म ऑफ एपी इज 106। उसने दिया है कि थर्ड टर्म ऑफ एपी दी गई समांतर श्रेणी का तीसरा पद है 12 और दी गई समांतर श्रेणी का 50वां पद है 106 गिवन है। तो T50 भी गिवन है मेरे को कितना 106। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड 29th टर्म, हमसे पूछा है T29। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं T29 निकालता हूं तो मुझे किसी भी टर्म को निकालनी है तो मुझे दो ही चीज चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था क्या, ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद और सार्व अंतर। देखिए अगर मैं T29 का फॉर्मूला बैठाता हूं तो क्या बनेगा, ए प्लस 29 माइनस 1 मतलब ए प्लस 28 इंटू डी। इसका मतलब मेरे को ए और डी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। अब वो कहां से आएगी, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। जरूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी मैं आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहा हूं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो फटाफट से आप खुद समझ जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, अब चलिए, अब इन दोनों की हेल्प से हम ए और डी निकालने वाले। तो T3 दे रखा है 12, T3 का मतलब क्या गिवन है, ए प्लस 2D, T3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब ए प्लस 2D। तो ध्यान दीजिए a प्लस 2d कितना गिवन है 12, सिमिलरली ये कितना आ जाएगा a प्लस 49d बराबर 106। इसे 1 दे दीजिए, इसे 2 दे दीजिए और इसे 3 दे दीजिए। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स वाला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं रैखिक समीकरण, वेरिएबल को बोलते हैं अचर, दो अचर में रैखिक समीकरण। तो देखिए हमें ए और डी निकालना था, ए और डी पता होता तो मैं T29 निकाल लेता और वही क्वेश्चन में पूछा था। अब मुझे इन दोनों की हेल्प से ए और डी निकालना है, तो ए और डी निकालना है तो मैं क्या करूं, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएंगे ना आपस में, तो मैं क्या करता हूं यहां से
इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर देता हूं, तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा देखना, साइन चेंज हो जाते हैं, यहां माइनस और यहां भी माइनस, ऐसे काट डाला, क्या बचेगा 2d माइनस 49d बराबर 12 माइनस का 106। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 2d में 49, अब 49 बड़ा है लेकिन किसका है, नेगेटिव का, तो क्या आ जाएगा यहां पे 2d माइनस 49 करूंगा तो माइनस का 47d आ जाएगा, ठीक है। 106 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बाद में माइनस लगा दीजिएगा, तो 106 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आता है 104, और 104 में से 10 करूंगा तो आएगा 94, करके देख लीजिएगा आंसर आएगा माइनस का 94, ठीक है। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस काट डाला, 47 मतलब माइनस का 94 बटा माइनस का 47, यहां आएगा 2, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इस d की वैल्यू को क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम हियर इनटू इक्वेशन 1 और 2, आप किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, हम इस d की वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी भी समीकरण में डाल के बाकी वेरिएबल a, बाकी अचर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इस d की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में डालते हैं तो क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, a प्लस 2d बराबर 12, तो a बराबर आ गया 12 माइनस 4 बराबर 8, हाँ कि ना, तो हमें a की वैल्यू भी पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई, d कितना 2, a कितना 8, क्लियर है। तो आ गया हमारा therefore फ्रॉम इक्वेशन 3 t 29 बराबर a कितना 2 प्लस 28, d कितना 2, सॉरी ए कितना है 8, ए 8 है और डी 2 है, तो ए 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होता है 56, 56, तो 56 और 56 और 8 हो गया 64, 64, तो t 29 आ गया हमारा 64, यही पूछा था, क्या पूछा था दोबारा बता देता हूँ, द थर्ड टर्म ऑफ ए पी इज 12 एंड 50th टर्म ऑफ AP इज 106, देन फाइंड 29th टर्म। अगर किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है तो 29वां पद ज्ञात करो। मेरे को कोई सा भी पद ज्ञात करना होता है, मेरे को दो चीज रिक्वायरमेंट होती है, A और D। तो A और D, तो T29 चाहिए था, Tn हम जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो देयरफॉर T29 क्या हो गया A प्लस 28 इंटू डी। अब हमें A और D की वैल्यू चाहिए थी, उसने दो चीजें दी हुई है क्वेश्चन में कि T3 कितना है 12 और T50 कितना है 106, इन दोनों की हेल्प से मैंने A और D निकाल लिया और इसकी वैल्यू इसमें डाल दी, आंसर आ गया। अब वो कैसे किया वो भी देख लीजिए, T3 12, T50 106 गिवन था, दिया हुआ था, तो T3 को अगर मैं इस नोटेशन में लिखूं तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, T50 को लिखूं तो क्या हो जाएगा A प्लस 49, तो A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106, इन दोनों को मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो A में से A काट डाला, 2D माइनस 49 माइनस 47D बचा, 12 माइनस 106 कितना आया माइनस का 94, तो यहां से D आ गया मेरे पास 2। फिर D की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकता हूं और A की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, वो कितनी आई थी 8। अब इन A और D की वैल्यू को मैंने T29 में डाल दिया, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो मुझे एग्जामिनर ने पूछा था। यहां तक क्लियर, किसी भी तरह का डाउट हो आप प्लीज पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि आज काफी टाइम हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट की क्लासेज ही लिया करें, अभी मैंने घड़ी नहीं ली है तो मुझे आइडिया नहीं कि कितना टाइम हो गया, फिर भी आज एक ही क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर क्लासेज ले लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसे दोबारा लिख देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। चलिए क्वेश्चन है कि दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें
दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें, और समांतर श्रेणी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन बढ़ती जा रही है, और लास्ट टर्म है 205। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे उसमें मैं हमेशा ऐसे लिखता था 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे लिखता चला जाता था। लिखता चला जाने का मतलब है कि वो समांतर श्रेणी आगे चलती जा रही है, हम उसे nth टर्म से निकाल लेंगे। इसलिए तो हम उसका nth टर्म निकालते थे। nth टर्म को बोलते हैं जनरल टर्म, व्यापक पद। कि ये मेरे को अगर tn पता है तो मैं उससे t2 भी निकाल सकता हूँ, t1 भी निकाल सकता हूँ, T3 भी निकाल सकता हूँ, T27 भी निकाल सकता हूँ। तो व्यापक पद का मतलब यही होता है कि उस n की वैल्यू पुट पुट कर करके मैं अलग अलग टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। जबकि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग है 7 से और लास्ट है 205 में। इसका मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इस समांतर श्रेणी को उसने टर्मिनेट कर दिया है, एग्जामिनर ने खत्म कर दिया है। वो खत्म कहाँ पे किया है? 205 में। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो nth टर्म क्या हो चुकी है? 205। nth टर्म हम क्या देखते थे कि जहां पे खत्म हो रहा है, खत्म होता नहीं था तो हम उसे व्यापक पद मान लेते थे, जनरल टर्म मान लेते थे। तो यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 205 पे टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसकी जो हम 205 टर्म है उसे nth टर्म मान लेंगे। ए क्या है? 7। डी कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, बात एक ही है क्योंकि उसने दिया हुआ है AP है। तो हम T2 माइनस T1 कर ले तो ही हमारा क्या आ जाएगा? D। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, A बराबर है 7, D बराबर कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 बराबर 6। देख लीजिए, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा। अब उसने एक चीज गिवन है यहाँ पे, TN कितना दीवन है? 205। निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता था? n। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? n। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्लियर? अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपको प्रॉपर इसी तरीके से करना है। यदि आप NTSC दे रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दे रहे हैं तो आप फटाफट से सोचिए, सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हवा में आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जब मैं आपको 11th 12th पढ़ाऊंगा, या आप कभी मेरी 11th 12th की प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे, जब भी मैं आगे बनाऊंगा तो आप उसमें देखिएगा मैं कैसे हवा में सोल्व कराऊंगा ज़्यादातर क्वेश्चंस जो JEE वाले बच्चे होंगे। तो वो, लेकिन अभी आपके जो हिसाब है, आपका हिसाब है 10th वालों का कि भाई हम प्रॉपर पेन पेपर पे बढ़िया से चला चला के लिखेंगे, तो मैं भी उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो A हो गया 7, D हो गया 6 और TN हो गया हमारा यहाँ पे 205। हमें चाहिए N। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि TN क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब TN कितना गिवन है यहाँ पे? 205। वैल्यू पुट करनी है, आंसर अपने आप निकल के आएगा। A कितना? 7 प्लस N पता नहीं है, N ही तो निकालना है। D कितना? 6। बस सोल्व करो, आंसर पाओ। 205 बराबर 7 प्लस 6N माइनस का 6। इसे सोल्व करें क्या जाएगा? 205 माइनस का 7 प्लस का 6 बराबर का 6N। अरे साइड चेंज कर दी, बात एक ही है। चलिए 205, अरे इसको सोल्व करो। चलो माइनस 7 प्लस 6 कितना होगा? माइनस 1। और 205 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 204 बराबर 6N, या 6N बराबर 204, बात एक ही है। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 204 डिवाइडेड बाय 6। सोल्व करो, 6 3 जा 18, 2 गया 6, 4 जा 24, तो आंसर हो गया 34। मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 34th टर्म है वो क्या है? 205। फर्स्ट टर्म होगी 7, सेकंड होगी 13। सिमिलर वे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ये जो 205 है वो कौन सी टर्म थी? 34। अगर चेक करना चाहते हो चेक कर लीजिए, जबकि हमारा क्वेश्चन यहीं तक क्लियर खत्म हो चुका है, फिर भी मैं आपको एक फटाफट से चेक करने के हिसाब से कैसे करेंगे। देखिए T34 A प्लस 33D, A कितना है यहाँ पे? 7 प्लस 33, डी कितना है यहाँ पे? 6। तो 7 प्लस 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 198, 198 प्लस 7 205। मैच कर गया। इसका मतलब हमने जो भी किया वो क्या है? सही है। ठीक है, तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें आपको क्रॉस चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चंस में मैं आपको प्रोग्रेशन में आगे कराने वाला हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा को पूरा कोई भी प्रॉपर मेथड यूज नहीं करना है। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको सिंपल ऑप्शन से ही टिक कर देना है। वो रामबाण ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी हम पूरा प्रॉपर फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। क्लियर है? आई थिंक आप सभी को पूरा प्रॉपर क्लियर होगा कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने आपको समांतर श्रेणी स्टार्ट की थी, उससे पहले मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया, सीरीज के बारे में बताया और प्रोग्रेशन के बारे में बताया। उनका कुछ डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया, वो कहीं आपसे पूछा नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है आज का, वो है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हम nth टर्म निकालते हैं समांतर श्रेणी की। ए क्या है? फर्स्ट टर्म प्रथम पद। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अगर डी की बात करूं तो वो क्या है? सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। तो उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए। आप एक क्वेश्चन होमवर्क में जरूर लेके जा सकते हैं मेरे से, वो है फिफ्थ क्वेश्चन। वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसे आगे हम डिस्कस कर लेंगे, फिर भी आप एक क्वेश्चन ले जाइए यही वाला। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा मेरे को क्या आता है। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो था विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन इज 639। तो आपको क्या बताना है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन इज 639, ठीक है। तो अगर हिंदी वालों को बोलूं तो दी गई समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 होगा? तो जो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा सिमिलर है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। तो इसमें भी आपको क्या बताना है? एन बताना है कि किस एन के लिए, मतलब कौन सी टर्म होगी जो इसकी 639 होगी। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है 3, डी कितना है 12, 6, तो क्या लगा देंगे 639 बराबर 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12। सोल्व करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आई थिंक आप सभी को पूरा जो भी हमने पढ़ाया होगा वो आपको क्लियर होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और यूट्यूब चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियोज आएंगे आपको फटाफट से प्राप्त हो जाए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू गाइज़।